लूट लो, लूटने का मौसम आया है। कोई वोट लूट रहा है, कोई नोट लूट रहा है, और यहाँ तो बिरयानी ही लूट जा रही है जी। हैरान ना हुई है, बस देखिए कि कैसे बिरयानी का पूरा बड़ा सा पतीला ही ये लोग लूट ले गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वायरल तस्वीरें हैं मेरठ की, और इन तस्वीरों के पीछे की अजब गजब कहानी जानेंगे तो माथा पीट लेंगे। तो चलिए इस बिरयानी लूट की पूरी स्टोरी जानिए। दरअसल ये बिरयानी लाई गई थी वोटर्स को लुभाने के लिए। नेताजी सोच रहे थे कि बांटेंगे बिरयानी और बटोरेंगे वोट, बिरयानी के स्वाद में जनता को फंसा कर लूटेंगे वोट। लेकिन भैया सब उल्टा पड़ गया, नेताजी की बिरयानी ही लूट गई। दरअसल मेरठ में दूसरे चरण में 11 मई को निकाय चुनाव होना है, जिसके लिए हर तरकीब लगाई जा रही है वोटरों को लुभाने के लिए। उम्मीदवार अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। इसमें एक उम्मीदवार को सूझा बिरयानी का बम बम फॉर्मूला, और बटने लगी वार्ड नंबर 80 में बिरयानी। लेकिन लोग बिरयानी का डेक ही ले उड़े। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जिसके बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस मामले में मेरठ के सीईओ सिविल लाइन अरविंद चौरसिया ने फोन पर यूपी तक को बताया कि ये वीडियो संज्ञान में आने के बाद ये कब का है, किस पार्टी का उम्मीदवार ये कर रहा था, ये सब कुछ जांच का विषय है, जांच की जा रही है, और जांच के बाद ही सब पता चल पाएगा कि वीडियो कब का है। लेकिन इलाके की खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सपा की ओर से पार्षद पद के उम्मीदवार के शौहर शाहिद अंसारी की ओर से वोटर्स के लिए बिरयानी पार्टी रखी गई थी। हालांकि वो इन आरोपों से इनकार करते हैं, लेकिन पीछे उनका बोर्ड जरूर दिखता है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिरयानी की देख को कुछ लड़के ले जा रहे हैं, और वीडियो जो है वो आपके कार्यालय के आसपास का बताया जा रहा है, और जो बताया जा रहा है कि जो वायरल हो रहा है वो कहाँ का वीडियो है, क्या आपसे कोई इसका लेना देना है? ऐसे उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही वो मेरे कार्यालय के आसपास का है। हमारा कार्यालय का तो उद्घाटन ही परसों हुआ है, ओपनिंग जो हुई है परसों हुई है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ना मैं जानता कि कहाँ का वीडियो है। लेकिन इतना पक्की बात है कि हमारे किसी कार्यालय या मकान का वो वीडियो नहीं है, ना हमारा कोई उससे लेना देना। प्रसारित किया जा रहा है कि वो आपका वीडियो है, इस तरीके से प्रसारित नहीं, वो कोई दूसरे लोग कोई नाम भी ले सके या किसी को नहीं पता चलता तो वो ऐसी बात कह दी होगी किसी ने, लेकिन हमारा कोई उससे रोल नहीं। वैसे इस कोहराम के पीछे ये बताया जा रहा है कि बिरयानी की दावत की खबर पूरे शहर में फैलने से ये हाल हो गया, जिसके चलते उम्मीदवार के क्षेत्र के लोगों के अलावा बड़ी संख्या में दूसरे मोहल्ले के लोग भी बिरयानी खाने पहुंच गए। ऐसे में अपने क्षेत्र के लोगों के हिसाब से बनवाई गई बिरयानी कम पड़ने लगी। बताया जा रहा है कि इस पार्टी में जो लोग आए थे उन्होंने पहले बिरयानी खाई और फिर पॉलिथीन में भरकर ले जाने लगे, जिसकी वजह से बाद में आए लोगों के लिए बिरयानी कम पड़ने लगी, और जो कुछ बचा खुचा था उसका पतीला ही लेकर लोग भाग गए। मेरठ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक देख को कुछ लड़के युवक ले जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि चुनाव के टाइम पे बिरयानी बांटी जा रही थी वोटरों को लुभाने के लिए। वो इसी इलाके का है, आप देख सकते हैं कि मेरठ का वार्ड नंबर 80 है, ये ढवाई नगर एरिया कहलाता है, जहाँ का वो वीडियो बताया जा रहा है। और हालांकि जो बताया जा रहा है कि वो यहाँ जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर के बांटी जा रही थी, लेकिन पुलिस का इस मामले में कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है, वो किस पार्टी का है, कब का है, कहाँ का है, ये पूरी वो जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वीडियो जो बिरयानी बांटी जा रही है वो किस लिए बांटी जा रही है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।